Hello students, very warm welcome on An Academy Studio Classes. आज का जो हमारा session रहेगा उसमें हम लोग जो MCQs होते हैं उनके through revision कर रहे हैं हमारे diversity chapter के जो non-coordinate से questions बनते हैं उनका, ठीक है? तो फटाफट से इसका link जो है वो अपने friends के साथ share कर लीजिए. काफी सारे questions जो हैं वो इसमें मैंने ऐसे डाले हैं जो कि थोड़े से high level के हैं comparatively, so that कि आप जो हैं आपको कुछ additional चीजें भी जानने को मिलें जो कि आगे के competitive exams के लिए आपको useful रहेंगी. तो इस channel पे जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे आज पहली बार आ रहे हैं, उन बच्चों को पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा channel है Let's Crack Foundation and NTSC, इस पर हम आपको competitive exams की preparation करवाते हैं with boards. सिर्फ CBSE या सिर्फ ICSE की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर आपकी जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है वो तो हो ही रही है, साथ में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं NTSC, NSC, JS, JSTSE, Pre-RMO, KBPY, NSEB, इन सब एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो रही है, जिसके लिए आपके सामने रिस्पेक्टिव फैकल्टीज जो हैं वो इस समय स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, जो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को टेक केयर करती है. ठीक है, मेरा जो टाइमिंग रहता है यहाँ पे क्लास का शेड्यूल रहता है 2 बजे NTSC की क्लास होती है, 5 बजे जो है वो KBPY की क्लास रहती है. आज मैं आप लोगों को 3:30 बजे एक वीडियो जो है वो आने वाला है जिसमें मैं आपको बेस्ट बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ. 3:30 बजे की 3:30 बजे की टाइमिंग रहेगी. 3:30 बजे, डोंट फॉरगेट, 3:30 बजे मैं बेस्ट बुक्स बताने वाली हूँ. ये जो बेस्ट बुक्स होंगी ये आपकी NTSC और आपकी NSEJS और जो हमारा इसके अलावा NSEB है उनके लिए है, और जो है वो KVPY के लिए है. तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि मोस्टली जब भी कभी इस तरीके के वीडियोस बनते हैं, हाँ जी प्रीमियर होगा ये, डॉक्टर सुनीता सिंह पूछ रहे हैं, हाँ जी ये प्रीमियर होगा. सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू मेंशन हियर इज कि जब भी कभी इस तरीके के वीडियोस बनते हैं तो मोस्टली लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हाई फाई बुक्स जो होती हैं उनके हम नाम जो हैं वो बच्चों को बताते हैं. बट मैंने एक स्टूडेंट के लेवल पर सोचा है कि एक स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल होता है उस लेवल पर कौन सी ऐसी बुक्स रहेंगी जिनको वो रेफर करे तो इजी लैंग्वेज में वो पूरा कंटेंट भी समझ लेगा, जो हमारा सब्जेक्ट जितना हमारा करिकुलम है वो भी समझ लेगा, और उसको बहुत ज्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा. तो वो जो भी मटेरियल मैंने आप लोगों को बताया है वो मटेरियल मैंने खुद पढ़ा हुआ है, वो मटेरियल मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, बच्चों से उस मटेरियल का फीडबैक लिया हुआ है कि आपको ये मटेरियल कैसा लगा, उस मटेरियल को पढ़ के बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं. ठीक है, तो वो ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको ये लगेगा कि अरे इनको तो कोई और रेफर करता ही नहीं है, अरे ये बुक्स इन बुक्स का तो कोई और नाम नहीं लेता, मैम ने ये बुक्स हमें क्यों बताई है. लेकिन बिलीव मी, जो बुक्स मैं आपको वहां पर मेंशन कर रही हूँ बहुत क्रिस्प, बहुत छोटा सा वीडियो है, 15-20 मिनट्स का वीडियो है, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा. ठीक है, कोई बात नहीं डॉक्टर, नहीं ये है AM खान, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसमें डिप्रेस फील करने की बात नहीं है. अगर स्टेज वन आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया है इट्स ओके, मे बी कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई होगी, तो उसके लिए आप नेक्स्ट ईयर KVPY की अच्छे से जम के अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए ताकि आपका KVPY का एग्जाम जो है वो निकल सके. ठीक है, चलिए. हेलो श्रेया, हेलो रजन, हेलो AM खान, हेलो सुनीता सिंह, क्षितिज कुमार झा सर अकेडमी, रज्जन, सो बेसिकली गोलू, राकेश कुमार. तो आई थिंक कि मैंने सबका नाम यहाँ पर मेंशन कर लिया. आप लोगों को बड़ा इस चीज का शौक रहता है कि मैम हमारा नाम लीजिए, तो फटाफट से आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिए अपनी ताकि हम लोग अपना जो करिकुलम है वो आगे बढ़ा पाए, PYQs जो है वो आगे बढ़ा पाए. बच्चों मेरा जो कोर्स लॉन्च हुआ है कैप्सूल कोर्स ऑन बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, उसमें हम लोगों ने अभी तक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है. हम लोग जो है वो आई को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसकी फिजियोलॉजी हमने पढ़ ली है ऑलरेडी. ठीक है, और हमने इसकी एनाटॉमी जो है वो समझ ली है बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि अब 11th के बच्चे जो होंगे, जो 11th में बायो पढ़ेंगे KVPY के लिए, उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. इसी तरीके से हमने ईयर जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है, तो आई और ईयर की हम लोगों ने कवर कर लिया है. नेक्स्ट जो है वो हम लोग ब्रेन करने जा रहे हैं. तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है लेकिन आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो देर मत कीजिए,
अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए, लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट कीजिए। गोल सेलेक्ट करने के बाद लाइव एसी कोड डालिए और सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करके मैं आपको सजेस्ट करूंगी 24 मंथ्स का, या फिर अगर आप 10th में जा रहे हैं तो आप 12 मंथ्स का भी ले सकते हैं। जो भी आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। साथ में आपको स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड करवाऊंगी मैं, डाउट सेशंस होंगे आपके टाइम टेबल में, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है विद स्कूल एंड जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की स्टडीज हैं। वीकली टारगेट्स आपको बना के हम लोग देंगे, ठीक है? बिल्कुल एनटीएससी में इवोल्यूशन आएगा बेटा, ठीक है? निकलेगा निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा एएम खान, बिल्कुल निकलेगा। सपने देखने से ही पूरे होते हैं, है ना? बिल्कुल निकलेगा। चलो अब हम लोग जो है वो आज क्या करेंगे, हम लोगों ने आज जो है वो करना है अपने एमसीक्यूज के थ्रू नॉन कोऑर्डिनेट्स का रिवीजन। तो आप लोग रेडी हैं? कितने बच्चे इस समय रेडी हैं बताइए मुझे, कितने बच्चे इस समय रेडी हैं करने के लिए बताइए मुझे। आर यू गाइज रेडी? शो मी योर थम्स अप इफ यू आर रेडी, शो मी योर थम्स अप इफ यू आर रेडी टू डू इट। चलो, रज्जन पांडे इज रेडी, डॉक्टर सुनीता सिंह इज रेडी, ओके, ए एम खान एंड रेडी मोड में है, रेडी मेड, अच्छा श्रेया नंदिनी इज रेडी मेड। चलो शुरू करते हैं, ओके ओके शुरू करते हैं। चलो सो नॉन कोऑर्डिनेट्स का रिविजन हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू, और अब आ रहे हैं हमारे पास पहले स्लॉट के क्वेश्चंस, ठीक है? चलो देखो, शुरू करो, बताओ। पहला क्वेश्चन, इन स्पॉन्जेस न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन डिपेंड्स अपॉन, बताइए। बताइए वेरी गुड वेरी गुड, डॉक्टर सुनीता सिंह ने आंसर दिया है कैनाल सिस्टम, क्योंकि स्पॉन्जेस जो होते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, हीमोसिलोमिक सिस्टम नहीं होता है, एम्बुलेक्रल सिस्टम जो है वो इनके पास नहीं होता है, ये काइनोडर्म्स के पास होता है। तो इसका मतलब कि इनके पास क्या है, कैनाल सिस्टम, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था। कैनाल सिस्टम यानी कि इनके पास ऑस्टिया होते हैं जिनसे वाटर जाता है, देन ऑस्कुलम से वाटर निकल जाता है, एंड यही जो वाटर होता है इसी के थ्रू ये अपना फूड भी कैप्चर करते हैं, और इसी के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो भी करते हैं, है ना? चलो अब नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉरीफेरन्स आर पॉरीफेर्स पॉरीफर्स आर क्या होगा इसका आंसर बताओ। एसीलोमेट होते हैं, एक सेकेंड, इसकी कुछ सेटिंग चे बिगड़ रही है थोड़ी सी ना, लेट मी शिफ्ट हेयर, सेटिंग्स थोड़ी सी गड़बड़ है, लिटिल बिट, ठीक है, डन। सो इसका आंसर क्या होगा, एसीलोमेट यानी पॉरीफेरेंस जो होते हैं इनके पास, पॉरीफेरेंस जो है इनके पास कोई भी, पॉरीफेरेंस के पास कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, इनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है इसका मतलब ये क्या होंगे, ए सीलोमेट्स होंगे। वेरी गुड, ठीक है भूपेश, आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब इसके बाद है सीलेंट ट्रेट्स आर, सीलेंट ट्रेट्स की बात बताइए, सीलेंट ट्रेट्स जो है वो कैसे होते हैं, इनके पास कितनी जर्म लेयर हैं, जर्म लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इनके पास दो जर्म लेयर हैं, तीन जर्म लेयर हैं, या एक जर्म लेयर है, या फिर क्या होगा इसका आंसर। ओके सो इसका आंसर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, वेरी गुड, डॉक्टर सुनीता सिंह ने दे दिया है, रज्जन ने आंसर दे दिया है, श्रेया ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड, ठीक है,
वेरी गुड, इतने बच्चों ने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इनके पास होती है टू डर्म लेयर्स, तो इसलिए इनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज नोन एज, हाइड्रा की जो बॉडी कैविटी है उसको क्या बोलते हैं बताइए? स्यूडो सील कैविटी बोलते हैं, सील का मतलब होता है कैविटी, ठीक है, सील का मतलब होता है कैविटी। तो अब बताइए इसमें से कौन सी कैविटी है, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर बताइए बॉडी कैविटी का, सील एंड टेरॉन। वेरी गुड, सील एंड टेरॉन। अब देखिए मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हीमोसील का मतलब होता है बॉडी कैविटी ट्रू है लेकिन उस बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हुआ है। डॉक्टर सुनीता सिंह बेटा इसका आंसर होगा सील एंड टेरॉन, बॉडी कैविटी है लेकिन इनकी बॉडी कैविटी में क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, इसलिए इसको हीमोसील कैविटी बोल रहे हैं। स्यूडोसील कैविटी का मतलब है कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लेकिन उस बॉडी कैविटी के चारों तरफ जो है, उस बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग पर मीजोडर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है। एंटीरोसील जो होते हैं ये हमारे ट्रू सीलोमेट के टाइप होते हैं। देखो जो हमारे ट्रू सीलोमेट होते हैं बच्चों, उन ट्रू सीलोमेट का एक टाइप होता है एंटीरोसीलोमेट, और जो इसका दूसरा टाइप होता है वो होता है शीजोसीलोमेट, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, एंटीरोसीलोमेट और शीजोसीलोमेट। अब सुनो इसको, जो ट्रू सीलोमेट है यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, और दूसरी चीज की इनके पास जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड कैविटी भी है, लेकिन लेकिन बच्चों लेकिन जो इनकी कैविटी है वो कैसे फॉर्म हुई है, देखिए बॉडी कैविटी में हमेशा ऐसे समझाती हूँ, ये हमारी मान लेते हैं कि जर्म लेयर है, तो ये इसको ऐसे मान लीजिए, ये वाली जो जर्म लेयर है ये है हमारी एक्टोडर्म, उसके बाद ये है एंडोडर्म, और बीच की जो ये दो फिंगर्स हैं ये है हमारी, ये दो फिंगर्स हैं मीजोडर्म। ठीक है, तो जब मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट हो जाती है, और मीजोडर्म के बीच में से स्प्लिट हो जाने की वजह से, अगर बॉडी कैविटी फॉर्म हो रही है, मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट हो गई और यहाँ पे कैविटी बन गई, यानी कि कैविटी इज नाउ लाइंड बाय मीजोडर्म, तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम लोग बोलते हैं शीजोसीलोमिक कैविटी। क्या बोलते हैं? शीजोसीलोमिक कैविटी। और वहीं दूसरी तरफ जो एंटेरोसील होती है, एंटेरो का मतलब जो है, एंटेरो का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पर देखिए आप, जो हमारी एंटेरोसीलोमेट है इनमें एंटेरो का मतलब है गट। गट का मतलब क्या हुआ, हमारी जो एंटेरॉन होती है, जो हमारी गट होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटेरॉन, गट। तो जब गट से आउट पॉकेटिंग निकलती है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, विजुलाइज कीजिए कि आप लोग जब जीन्स पहनते हैं, ठीक है, तो जीन्स में आगे जो है वो दो फ्रंट पॉकेट्स होते हैं, ठीक है, अब उसमें जो है वो एक बाहर की तरफ जीन्स का जो कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, वो होता है, और अंदर की तरफ जो है वो कॉटन का कपड़ा या फैब्रिक जो है वो लगा रहता है ना। अब आप ये देखिए कि वो दोनों जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो आपकी दो जर्म लेयर्स हैं ऐसा आप मान लीजिए, और बीच में आपने क्या किया कि आपने इस तरीके से फिस्ट बनाई, और वो हमने सर्दियों में नहीं होता, ठंड लग रही होती है तो हम उसके अंदर डाल लेते हैं, पॉकेट में हमने हाथ डाल लिया, हमने वो पॉकेट में हाथ डाली, अब हम मान लेते हैं कि वो हॉलो है, वो हॉलो है, तो हॉलो करने से क्या होगा कि वो बाहर की तरफ उनकी शेप निकल आती है। इसी तरीके से जो हमारी यहाँ पर जो गट होती है, ये मान लेते हैं कि ये गट है, तो ये गट जो है इस गट से जो है वो क्या निकल रही है, इससे जो है वो निकल रही है कैविटी, ठीक है, और ये कैविटी के चारों तरफ जो है वो क्या है, मीजोडर्म है, लेकिन ये कैविटी निकली किससे है, ये कैविटी निकली है गट से, तो इसलिए बच्चों हम इस कैविटी को बोलते हैं एंटेरोसीलोम। यानी जो ह्यूमन होते हैं, इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता देती हूँ, एंटेरोसीलोमेट जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं बच्चों, हम लोग एंटेरोसीलोमेट होते हैं, यानी हमारी जो बॉडी कैविटी होती है वो किससे निकली हुई होती है, गट से निकली हुई होती है, एंटेरॉन से निकली हुई होती है। तो हाइड्रा की जब बात करते हैं, तो हाइड्रा जो है वो पहली चीज तो एसीलोमेट होते हैं, ये आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही किया था, और दूसरी चीज जब ये एसीलोमेट है तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का, मैंने आप लोगों को जो
स्टेज वन की जो क्लास थी उनमें मैंने आपको इनका स्ट्रक्चर बताया था कि यहां से इस तरीके से कुछ पोर्स होते हैं इनमें जिनसे वाटर अंदर जाता है, ठीक है, सॉरी स्पॉन्जेस नहीं, ये जो सीलेंट रॉन्स हैं इनमें, है ना, हाइड्रा में इस तरीके से वाटर जो है वो अंदर जाता है, और अंदर जाके यहाँ पर जो ये कैविटी प्रेजेंट है, ये कैविटी, इसको हम बोलते हैं सीलेंट रॉन कैविटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन टू टिश्यू, बताइए। नॉट ऑर्गेनाइज इंटू टिश्यू यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जहां पे सेल्स जो है वो नॉट ऑर्गेनाइज इंटू टिश्यू यानी कि टिश्यू लेवल जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो सेलुलर लेवल की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्पॉन्जेस, ठीक है, जहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर हुआ ये। शीजोसिलोमेट और एंटीरोसिलोमेट दोनों जो है वो ट्रू सिलोमेट का पार्ट है, ये चीज समझ आ गई है, ये चीज समझ आ गई है। भूपेश, रजन, श्रेया, तेजस्वी, डॉक्टर सुनीता सिंह, ये चीज समझ आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए क्या क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिश्यू ग्रेड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से शुरू होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहां से शुरू होता है, बताइए। जो प्रोटोजोअन्स हैं उनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहले इसका आंसर दीजिए। जो प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोअन्स में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रोटोजोअन्स का बताइए। बिल्कुल, इसका आंसर जो है वो सी है, वेरी गुड, सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। प्रोटोजोअन्स का बताइए, प्रोटोजोअन्स में कौन सा होता है, नहीं, डॉक्टर सुनीता सिंह, मौलिक अग्रवाल, यहाँ पे प्रोटोजोअन्स में होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरेंस जो होते हैं उनमें होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निडेरियंस जो है इनमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटिहेलमिंथीज जो है इनमें होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ जी, आप आगे देखिए। द फाइला ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या हो गया, जिनमें की दो जर्म लेयर्स होंगी, यहां पर होंगी टू जर्म लेयर्स, कौन कौन सी टू जर्म लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बताओ इनमें से कौन सा होगा आंसर। बताओ आंसर दो इसका, क्या आंसर होगा इसका, अच्छा स्यूडोसिलोम कौन सी होती है, स्यूडोसिलोम का मतलब होता है जहां पर फॉल्स कैविटी होती है, यानी कि कैविटी तो फॉर्म हुई है, कैविटी तो फॉर्म हुई है, लेकिन वो कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइंड कैविटी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, द फाइला ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है वो किसमें है, इसमें आंसर आपका पॉरीफेरा एंड निडेरिया, ये भी सही है, और निडेरिया एंड टीनोपोरा, ये भी सही है, दोनों सही हैं, पॉरीफेरेंस और निडेरियंस। आपको मैंने जब स्टेज वन की क्लासेस में ले रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टीनोपोरा फाइलम है, जिसको हम लोग अलग से एज अ फाइलम पढ़ते हैं,
वो फाइलम जो है वो हमारा निडेरिया से ही निकला हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, हाँ जी, ये मैंने इसलिए इसके नीचे का पार्ट ऐड नहीं किया था। इस क्वेश्चन में जो है वो ए एंड बी, ए एंड सी, सी एंड ए, इस तरीके से ऑप्शंस थे जो मैंने इसलिए नहीं दिए, क्योंकि मैं जस्ट ये चेक करना चाह रही थी कि आप लोग जो है वो इतना दिमाग इसमें लगाएंगे या नहीं लगाएंगे कि यहाँ पर दोनों सही है। किसी भी बच्चे ने ये नहीं पूछा, जब मैंने बताया उसके बाद अब आप लोग बोल रहे हो, है ना बच्चा? तो ऑप्शन सारे देखो, अच्छे से ध्यान से देखो सारे ऑप्शन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो लेवल से थोड़ा ऊपर है ना, ये क्वेश्चन जो है वो लेवल से थोड़ा ऊपर है। एक आध क्वेश्चन जो है वो ऐसे डाल देती हूँ मैं, क्योंकि कई बार जो है वो एनएससी जेएस वाले बच्चे भी आ जाते हैं, कई बार जो है वो केवीपीवाई वाले बच्चे भी आ जाते हैं। वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या होगा? स्पोरोजोआ। ठीक है, बिल्कुल, मौलिक अग्रवाल। मौलिक अग्रवाल कौन सी क्लास में है आप बेटा? मौलिक कौन सी क्लास में है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोजोअन्स विद स्यूडोपोडिया बिलोंग्स टू, जिनके स्यूडोपोडिया होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं? ये है हमारा राइजोपोडा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये हमारे एनटीएससी के सिलेबस के क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे ही डाले थे जस्ट टू चेक कि आप लोग जो हैं वो कितना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, नहीं, वो क्लास की बात हो रही है बेटा, क्लास की बात हो रही है। ठीक है, चलो, न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, अमीबा का न्यूट्रिशन जो है वो कैसा होता है? अमीबा का जो है, अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? होलोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक, कैसा है बताइए? होलोजोइक। अमीबा में न्यूट्रिशन जब 10th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अमीबा है वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। सी आंसर होगा इसका, रितेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट है, एलिमेंट्री कैनाल इज एबसेंट इन, किसमें एबसेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल बताइए? प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में, लिवर फ्लूक में, टेपवर्म में, या ब्लड फ्लूक में बताइए? आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। आंसर दो, सी। अच्छा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन। पक्का श्योर? श्योर हैं बच्चे सारे? सारे बच्चे श्योर हैं? हाँ जी भूपेश, बताया आपको मैंने।
ठीक है, ओके डन। श्योर हो आप लोग सारे बच्चे? चलो ठीक है, ओके डन। ठीक है श्रेया, ओके डन। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से एनटीएससी के लिए नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने यहाँ पे डाला। विच मोलस्क कॉज हार्म टू शिप, बताइए, आंसर दीजिए। ओके okay। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है टेरेडो। ठीक है, जस्ट ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन के लिए डाला ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है, टेप वर्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट बाय, टेपवर्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट बाय, बताइए इसका आंसर क्या होगा? रज्जन पांडे ने दिया, वेरी गुड डॉक्टर सुनीता रजन मौलिक श्रेया, सबने दे दिया, सबने ए दे दिया। यहां पर पूछा गया है टेपवर्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट बाय, देखो जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पैरासिटिक होता है तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, ये चीज आपको पता है, डाइजेशन नहीं होता, ये चीज पता है, डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी, ये चीज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? डाइजेशन वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी। टेप वॉर्म जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट जो इनका जो है जो ऑर्गन है ऊपर, सबसे ऊपर जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पर इस तरीके से ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, अरे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है ना। सो दिस रीजन, ये स्कॉलेक्स रीजन होता है जो कि इंटेगुमेंट से बनता है, जो कि इंटेगुमेंट मतलब आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इनकी, कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव, है ना, उससे जो है वो स्कॉलेक्स फॉर्म होता है उसके मॉडिफिकेशन से, और वो जो है वो एब्जॉर्ब करता है सीधे सीधे जो फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको, जो होस्ट सेल है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसने इनटेक किया, उसने डाइजेस्ट किया और ये सीधे सीधे उसका एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो, एनस इज एब्सेंट इन, बताओ भाई इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। नहीं श्रेया गलत आंसर, एनस इज एब्सेंट इन, वेरी गुड आंसर आ गया है, भूपेश ने दिया है आंसर, नहीं मौलिक ने दिया है आंसर, फेसियोला में एनस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, वेरी गुड। एस्केरिस इज स्पेशलाइज इन नॉट डिजेनरेटेड पैरासाइट एज इट इज, इसका आंसर दो। चलो इसका आंसर दे लोगे आप लोग शायद, एस्केरिस इज स्पेशलाइज एंड डू नॉट डिजेनरेट पैरासाइट, डिजनरेटेड पैरासाइट एज इट इज, ये डिजनरेट नहीं होती है,
ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहने के बाद भी डिजनरेट नहीं होती है, उसका रीजन क्या है बताइए। आंसर दीजिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो डी वेरी गुड। चलो अगला अगले अगले इस पे आ जाओ। चलो बताओ, एन एसीलोमेट एनिमल विद बाइलेटरल सिमेट्री इज, बाइलेटरल सिमेट्री के साथ एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म बताओ। बाइलेटरल सिमेट्री के साथ एसीलोमेट, जेलीफिश की जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। इसका आंसर होगा लिवर फ्लूक। क्रैब एसीलोमेट नहीं होता, रजन एसीलोमेट भी पूछा गया है। दोनों कंडीशंस को देखो, एसीलोमेट होना चाहिए और साथ में बाइलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। एसीलोमेट एनिमल पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट है, अ फीचर एब्सेंट इन एनिलीड्स, एनिलीड्स में कौन सा फीचर जो है वो एब्सेंट है, कौन सा फीचर जो है वो नहीं होता है बताइए। कौन सा फीचर जो है वो नहीं होता है बताइए। क्लाइटेलम जो है वो इनमें प्रेजेंट है, कल की क्लास में बताया था। मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, नेफ्रीडिया एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, स्यूडोसीलोम ये इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्या होता है इसकी जगह पे, एनिलीड्स में क्या होता है स्यूडोसीलोम की जगह पर, ट्रू सीलोम। बिल्कुल वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीड्स आर फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, सिक्स लेग्ड इनवर्टिब्रेट्स और सेगमेंटेड वॉर्म, क्या होगा इसका आंसर। सेगमेंटेड वॉर्म डी आंसर होगा इसका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बताओ किसमें होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगा शुरू, प्लेटिहेलमिंथिस में होगा। प्लेटिहेलमिंथिस में होगा। अच्छा जी, प्लेटिहेलमिंथिस जो होते हैं उनमें, मैंने पहले जो क्वेश्चन इससे पहले करवाया था उसमें भी बताया था कि उसमें ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट, ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। नीमेटोडा इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, नीमेटोडा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन फ्लैटवर्म्स इज बाय, एक्सक्रीशन इन फ्लैटवर्म्स इज बाय किसके थ्रू होता है एक्सक्रीशन, हाँ तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए मौलिक बेटा। फ्लेम सेल्स वेरी गुड, फ्लेम सेल्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया है, इसका आंसर करो। सो बेसिकली बेसिकली हमें आंसर करना है, सीलम सीलोम इन मोलस्का इज हीमोसील, स्यूडोसील, एंटीरोसील या नन ऑफ दीज, क्या आंसर होगा इसका। सॉरी <Sorry. coughs>
अभी अभी बताया था, कल की क्लास में बताया था, अच्छा अभी अभी नहीं बताया था। हीमोसील जो है, जो मोलस्क होते हैं, इनमें होती है ट्रू कैविटी। ट्रू कैविटी फिल्ड विद ब्लड, ठीक है, तो इसलिए उनको हम बोलते हैं हीमोसिलोमेट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्थ्रोपोड कैरेक्टर? टू पेयर्स ऑफ लेग एंड विंग्स फ्यूज्ड, नेक्स्ट है थ्री पेयर्स ऑफ विंग्स एंड लेग्स आर फ्यूज्ड, नेक्स्ट है सिक्स लेग्स आर नॉट फ्यूज्ड एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड विंग्स फ्यूज्ड। बताइए क्या आंसर होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्थोपोड कैरेक्टर? बताओ आर्थोपोड का कैरेक्टर क्या है? हाँ इसका आंसर होगा ये, सिक्स लेग्स आर नॉट फ्यूज्ड। इनके पास जो लेग्स हैं वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं। थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं उनके पैर? नहीं बेटा, फ्यूज्ड होते हैं लेग्स और विंग्स, जो फ्यूज्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं आपस में, जुड़े हुए होते हैं आपस में। आंसर होगा सी, फ्यूज्ड का मतलब ऐसे जुड़े हुए, चिपके हुए। नहीं बेटा, सिक्स लेग्स थ्री पेयर भी होते हैं, आप डिटेल में जब पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है नेक्स्ट आंसर दीजिए। द लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट्स आर द जाइंट स्क्वैड, जाइंट सिल्क मोथ, जाइंट क्रैब, ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर दीजिए। आंसर दो बच्चों, जाइंट क्रैब। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये सबको पता है। द बॉडी कैविटी ऑफ ऑर्थोपोड्स इज, ऑर्थोपोडो की जो बॉडी कैविटी है वो कैसी होती है? हाय वेनम, बड़े दिनों बाद आया बच्चा ये। बॉडी कैविटी ऑफ ऑर्थोपोड, ऑर्थोपोड की बॉडी कैविटी कैसी है? हीमोसील। दो हमारे पास हीमोसील होते हैं, कौन कौन से? मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स, ये दोनों जो है वो हमारे हीमोसील्स होते हैं, ठीक है। चलो जी, आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास। अब हम कल जो है वो आगे का पोर्शन करेंगे, कॉर्डिनेट्स का रिवीजन करेंगे। एनटीएससी स्टेज वन की क्लास है कल, एंड उसके बाद जो है वो हमारा संडे जब होगा तो संडे को हम लोग जो है वो मेंटी क्विज करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार आजकल, मतलब बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। जितने जो बच्चे लाइव लर्नर्स हैं, एटलीस्ट उनसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप कम से कम जो है वो एक बच्चा अपने व्हाट्सएप लिस्ट में 10 लोगों को तो शेयर करे, एटलीस्ट 10 लोगों को तो शेयर करे, है ना। शेयर करो बच्चों, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो, ठीक है। दिस विल बी द गुरु दक्षिणा फॉर मी, राइट। चलो ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू।